भाई ये वाली जैकेट लिया मैंने, ये वाली फाइनल कर ली है भाई। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो यार आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी का मेरे यहाँ तो न्यू व्लॉग के अंदर। और आज मैं हूँ भाई गोनेर जो कि पड़ता है जयपुर के, मतलब लगभग 15-20 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही पड़ता है, जो जहाँ पर हमारा फ्लैट है वहाँ से। और क्या नाम है तेरा? ये है भाई, यहाँ पे है गोनेर में, तो इसके घर रुका हूँ मैं आज। तो भाई मस्त मालपुए यहाँ पे उतर रहे हैं, तो भाई अभी यहाँ पर रुके हैं गोनेर के अंदर मालपुए लेने के लिए। तो भाई यहाँ पर पीछे मालपुए बन रहे हैं, उनको पैक करवाने का ऑर्डर दे दिया हमने। 5 किलो लिए हैं भाई, 5 किलो अलग अलग, हम 5 जने हैं ना, तो 5ों ने अलग अलग लिए हैं, 5ों ने अलग अलग पैक करवा भी लिए हैं। तो वहाँ पर अभी उतर रहे हैं, तो देखते हैं। पैकिंग का ऑर्डर तो दे ही दिया भाई फाइनली। काफ़ी मज़ा आएगा खाने में भी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब आप पता है, मतलब मालपुए मतलब मेरे मतलब फेवरेट से ही है, मतलब मुझे खाने में काफ़ी मज़ा आता है। और आप एक बार ट्राई करना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी। तो ये लो भाई मालपुए रेडी है, ये देखो। तो ये लो भाई हमारे मालपुए तुल के रेडी हो चुके हैं, तो पैकिंग भी हो गई पूरी कंप्लीट, पैकिंग वगैरह हो गई। ये लो बैग में पैक कर लो, कर ले, डाल लो बैग में, गर्म है ज़्यादा भाई। तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ से मतलब मालपुए की दुकानें चालू है और वहाँ पर दूर तक मालपुए की दुकान है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और इसके मतलब आगे की साइड में भी है, ये देखो हर दुकान पे मतलब मालपुए लगे हुए हैं। और इधर की साइड में मतलब ये गेट सा है कुछ, वहाँ से मतलब आगे की साइड में जाओगे आप तो मतलब जो जगदीश जी महाराज जी का मंदिर है ना, वो मिलेगा। बाकी यार सब पैकिंग वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है, तो अब चलते हैं यार सीधा घर की ओर, और बस खाएँगे बस पुए दाल मस्त। तो भाई रिंग रोड से गुजर रहा था भाई, यहाँ पर ये पुल देख कर तो भाई दिल्ली आ गया भाई। बहुत मस्त पुल लग रहा है, फोटोशूट भी बहुत शानदार आएगा। और नीचे की साइड में जो ट्रेन है ना, उसका रूट है जो कि जयपुर आगरा वाली, मतलब दिल्ली वाली जाते हैं ना उधर की साइड में, वो वाली रूट है वो पूरा। बहुत मस्त लग रहा है, एक बार सिनेमेटिक सीन लेने का मन तो कर ही रहा है। दिखा देता हूँ सिनेमेटिक सीन भाई, बाल मतलब ऐसे जंगली लग रहे हैं यार। चलो दिखाता हूँ आपको सिनेमेटिक सीन, वेट कर। मतलब ऐसा लग रहा है मतलब कोई विदेश में है हम लोग। तो भाई बहुत ही शानदार ब्रिज है यहाँ पर, ये देखो देखो कितना मतलब वाइट वाइट जो दिख रहा है भाई, कितना शानदार सा लग रहा है ना। मुझे तो भाई दूर से ही बहुत अच्छा सा शानदार सा लगा। तो ये है भाई यहाँ पर जयपुर से दौसा की साइड में जो ट्रेन का रूट जाता है वो है। और यहाँ पर है आपका ये ब्रिज, और यहाँ पर भाई मतलब इधर से भी साधन आते हैं, मतलब पता नहीं यार रूल ही फॉलो नहीं करते लोग बाग। मतलब इधर से भी गाड़ियाँ आ रही है और इधर से मतलब राइट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो भाई पता ही नहीं क्या चल रहा है यार ये। एक बार ट्रेन आ रही है, मैं ट्रेन का सीन ले लेता हूँ एक बार। भाई रिंग रोड क्रॉस करके रिंग रोड से भाई सीधा आ गए हैं भाई बगराना पंचायती के अंदर। यहाँ मेरे दोस्त का कुछ काम था तो वो काम करवा रहा है अंदर, तब तक हम रेस्ट करते हैं, बैठते हैं यहाँ पर। चीटियाँ मतलब कैसे भाग रही है एक मतलब, ये देखो दाने ले जा रही है। इधर की साइड में है एक मंदिर, 450 यार ज़्यादा बोल रहा है भैया। और ये वो मतलब सारे एक ही रेट में अलग अलग में, ये थोड़े कपड़े के। भाई ये वाली जैकेट लिया मैंने, ये वाली फाइनल कर ली है भाई। सो गाइस यार फाइनली घर पे आके पहुंच गया था, बट पता है क्या हुआ कि मतलब घर के अंदर मतलब लॉक लगा हुआ था। मेरी मम्मी आ गई थी खेत पर, तो भाई किसी तरह से मतलब खेत पर आना पॉसिबल हुआ है। तो भाई वो बंदा वहाँ पे चाबी लेने गया हुआ है, छोटा बच्चा है, तो यहीं पर वेट करते हैं। मम्मी वहाँ पर खेत में काम कर रही है, तो चाबी लेकर आने दो उनको, फिर घर पर चलते हैं वापस। तो ये देखो गाइस हमारे खेत में उगा रखे भाई चने की फसल है, ये देखो वहाँ तक मतलब दूर तक हमारा ही हमारा खेत है वहाँ तक। तो चने की फसल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, नीचे से दिखाता हूँ अब कैसे है चने। ये देखो ये है चने, ये सब्जी बनती है इनकी, मतलब हरी सब्जी बनती है ना वो इनकी बनती है। जैसे अभी दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे होते हैं इनको, मतलब खा भी सकते हैं, बाकी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी। और हो गया, कौन बोल रहा है दोसा गई? ये अनक भाई की मम्मी। अच्छा साला ये तो लोचा हो गया भाई। तो भाई यार खेत पे आना भी मतलब वेस्ट ही हुआ, बिकॉज यार मेरी मम्मी यहाँ पर खेत पर मिली ही नहीं। वो मतलब आज मतलब सडनली क्या पता क्या हुआ, मतलब जो टीए की बैठक होती है ना उसके अंदर वो गई हुई है दोसा के अंदर। तो भाई घर के बाहर ही रहना पड़ेगा मेरे को शाम तक। और भाई मालपुए लाए हैं वो ठंडे हो जाएंगे, पता है क्या करें यार भाई।
चले फिर वापस। चलो ठीक है भाई, इस बच्चे को और परेशान कर दिया मैंने यार। मतलब इसको लेके आया था, मतलब गाड़ी भी इसी की थी, मेरी गाड़ी भी नहीं थी वहाँ पे, तो मैं इसी को लेकर आया था, इसकी गाड़ी थी भाई। भाई क्या क्या मेहनत करनी पड़ रही है भाई, अच्छे से जुड़ के आना इसको, ठीक है। मतलब कुछ अंदर चला गया ना भाई, बहुत नुकसान कर देगा ना, ठीक से जुड़ कर, ठीक से जुड़ दे इसको। सो यार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं भाई। लॉक नहीं, अच्छा ये दूसरी चाबी है, ये वाली लगेगी ना, हाँ ये वाली लग गई। गाड़ी चलानी है, चल आ जा फिर, आ जा बैठ, ढंग से बैठना है ना, रुक मैं पहले, मेरे को लेने दे, थोड़ा आगे लेने दे, तू गियर वेयर कुछ मत डाल है ना भाई। यार सच्ची में चला रहा है यार, तू आगे ध्यान दे भाई, मेरे चक्कर में ध्यान मत दे भाई। यार बच्चा मतलब यार सीख गया यार, आराम से चलाना, स्पीड मत बढ़ाना गाड़ी की है ना, स्लो में रखना थोड़ा। ठीक है वेरी गुड, बाकी मैं संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब फाइनली लॉक खुल चुका है, बाहर बैठे थे वेट कर रहे थे, तो अंदर एंटर करते हैं। और ये देखो हमारा सामान, ओह माय गॉड, ये लो। तो भाई हमारे मालपुए रेडी हैं भाई, तो भाई गोनेर से लाए हुए मालपुए हैं, मस्त खाते हैं भाई, मजा आएगा भाई, यम्मी यम्मी लग रहा है देखो। तो भाई शाम के 4:30 बजे हैं, और भाई आपका भाई मतलब आया हुआ पंचायत के अंदर कुछ काम करवाने के लिए। तो यार तो भाई ये है ओपन जिम है, मतलब खुला हुआ है, यहाँ पे कोई मतलब बाउंड्री लाइन कुछ भी नहीं है, ओपन जिम है ये, देखो ओपन जिम है यहाँ पे, ये मतलब कुछ कर सकते हैं वैसे जो भी है। बाकी ठीक है यार, ये देखो काफ़ी भाई, ये क्या है जो भी हो, बाकी मतलब ये वाला मतलब ग्राउंड है ना, ये देखो पूरा मतलब वहाँ तक है। हाँ भाई ये भाई ये वो पंचायत की ज़मीन है वहाँ तक, वो भाई एक बार ये ट्राई करते हैं भाई। ओ भाई ढंग से चल ही नहीं रही, तो भाई हमारे गांव के आईटी सेंटर जाने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं भाई जटवाड़ा के अंदर। और हमारे जो गांव है उसका भाई गेट देख लो भाई, हमारा जो गांव है ना उसके अंदर भाई गेट बन रहे हैं यार, बहुत मस्त तरीके से बन रहा है अपने गाँव का यार, भाई बहुत मस्त बनेगा ये एंट्री गेट अभी। तो भाई अब आईटी सेंटर से आने के बाद में हम सीधा जटवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। जटवाड़ा हमारा मतलब शॉपिंग सेंटर ही है एक तरह से, बिकॉज हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें मतलब कम मिलती है ना, तो हम लोग जटवाड़ा ही प्रेफर करते हैं और जटवाड़ा ही हम लोग जाते हैं। तो भाई अच्छा जो दूर के लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये जटवाड़ा है क्या, तो जटवाड़ा भाई हमारे मेरा गाँव है ना उसके अटैच में ही मतलब दूसरा गाँव है उसी को बोलते हैं जटवाड़ा, मतलब एक लोकेशन है जटवाड़ा बस, और तो कुछ नहीं है। तो भाई एक तरफ तो जटवाड़ा भाई डेवलप हो रहा है और दूसरी तरफ भाई जटवाड़ा की ये हालत देखो, मतलब रोड के मतलब 50% से भी ज़्यादा रोड में मतलब कचरा फैला हुआ है। बाकी ये देखो यार क्या कर रहे हैं, बाकी यार इधर डेवलप हो रहा भाई, हमारे जो डॉक्टर थे वहाँ पर आ गए और मतलब 3 दुकानें और खुलने वाली है। इसके अलावा ये है भाई मतलब 2-3 दुकानें नया मतलब कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो भाई जटवाड़ा भी डेवलप हो ही रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स वगैरह सब मल्टीप्लाई हो गए हैं। मोमोज 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 बना दो भैया, बना दो, कितना का बनवाओगे भाई? एक प्लेट मोमो, एक प्लेट चाउमीन, बड़े से एक पैक करवाए हैं हमने तो मोमोज, और छोटे मोटे काम थे वो करवा रही है। चाय की पत्ती भी ली है भाई, चाय की पत्ती भी ली है। ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, इससे बच के चलना पड़ेगा। ओ भाई इधर से चल चल चल, इधर से एक और आ रहा है भाई, उधर से भाई इनसे बच के चलना पड़ेगा, बिकॉज रिसेंटली हुआ क्या है पता है, अभी एक और आ गया यार, मतलब पता ही नहीं क्या ही है यार, मुझे पता है मतलब इन सांडों से डर क्यों लगता है, बिकॉज रिसेंटली हुआ क्या कि हमारे गांव के अंदर किसी की मतलब डेथ हो गई थी इन सांडों की वजह से, मतलब सांडों की जो लड़ाई हुई थी ना इसकी वजह से मतलब किसी की डेथ हो गई थी हमारे गांव के अंदर, तो भाई उसकी वजह से भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तुझे भी लगता है नहीं लगता भाई डर? हाँ। भाई तो भाई अभी अभी जस्ट घर आके पहुँचा ही हूँ, तो अब भाई भगवान की पूजा कर लेते हैं भाई, सबसे पहले लाइट्स टर्न ऑन करने दो और भाई पर्दा खोल देते हैं भगवान के लिए। तो भाई भगवान की पूजा करने के बाद में भाई अब मुझे बनानी पड़ेगी भाई सब्ज़ी, और मुझे आज दाल ही बनानी है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने मतलब मसाला वसाला मतलब छोंक लगा दिया है इसके अंदर, विदाउट ऑनियन गार्लिक बनाऊंगा, प्याज लहसुन नहीं डालूंगा। इसके अंदर दाल उबल रही है मतलब एक सीटी लग गई है, और मतलब मैंने भिगो के रखी थी तो एक सीटी इनफ है, इसके बाद में उसके अंदर डालेंगे। तो भाई रेडी करते हैं फटाफट दाल और भाई खाते हैं, बिकॉज यार सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। तो ये लो जी भाई बिना प्याज लहसुन की दाल रेडी हो चुकी है भाई, गैस बंद कर दिया मैंने, ये देखो भाई काफ़ी मस्त लग रही है, देखो बिना प्याज लहसुन की है।
तो भाई मस्त खाना पीना हो गया है, और आज मैंने स्पेशल दाल बनाई थी जो कि विदाउट ऑनियन गार्लिक थी, तो खाने में भी भाई काफ़ी मज़ा आया। और अब यार खाना खाने के बाद में भाई सर्दी लगने लग गई है, तो भाई रज़ाई के अंदर आ गया हूँ। मतलब भाई मुझसे सर्दी मतलब टॉलरेट हो ही नहीं पाती, मुझे पता ही नहीं क्यों, लेकिन मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। वेल आज का ये व्लॉग, मैंने पूरा ये व्लॉग दिखाया मतलब शुरू से लेकर एंड तक, जिसके अंदर मैंने जितने भी एक्टिविटीज़ की है वो। आई होप आपको ये व्लॉग डेफिनेटली पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू।